तो पहला प्रश्न दिया गया है 1/x (x^4-1) इसका समाकलन हमें x के सापेक्ष करना है। तो हम लिखेंगे कि माना i (dx/x)(x^4-1) मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब यदि आप x^4 का अवकलन करें तो d/dx(x^4) तो आपको मिल जाएगा 4x³। तो इस राशि का अंश और हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में 4x³ का गुणा करने पर तो आपको मिल जाएगा i(((4x³dx)/4x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये पावर 4 मिल जाएगा आपको, और फिर ये x^4-1। अब यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे माना x^4=t। ये समीकरण 2 है, इसका जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 4x³dx(dt)। ये समीकरण 3। इन दोनों मानों को इसमें हम रख देते हैं तो देखिए 4x³dx को लिख सकते हो आप dt, और फिर ये 4x^4 को आप लिखेंगे t, और फिर से यहां पे t-1। अब यहां से 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन साइन dt/t, और फिर ये t-1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है, तो 1/t (t-1) इसे आंशिक भिन्नों में बदलेंगे, ये मिल जाएगा a/t + b/t-1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 5 है। आंशिक भिन्न को किस प्रकार सरल करते हैं आप देख चुके हैं, तो मिल जाएगा 1 a (t-1) + b (t). गुणांकों की तुलना कर सकते हैं तो आगे लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर या फिर इसे आप और सरल कर सकते हैं t के साथ यहां पर a का गुणा होगा और यहां पर ये b का गुणा होगा, फिर ये -a, 1, 2, 3 तीन टर्म हो गए। इस प्रकार गुणांकों की तुलना करेंगे t के साथ यहां पर a+b और यहां पर t वाला पद उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि a+b = 0, दैट इंप्लाइज a = -b या b = -a, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर राइट साइड पर -a है और लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है 1, तो यहां से मिल जाएगा -a = 1, दैट इंप्लाइज a = -1, तो यहां से आपको मिल जाएगा b = -a, तो -± + तो a की वैल्यू मिल गई -1, b की वैल्यू मिल गई 1। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 1/t (t-1) = -1/t + 1/t-1। अब इस पद का दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा dt/t (-1)(dt/t) + (\sin dt/t-1). तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -sin log t + log(t-1) और प्लस सी लगा सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो यदि इसे सॉल्व करना हो तो पहले सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर एक्स की वैल्यू या टी की वैल्यू एक्स के पदों में हम लिख सकते हैं। हमने यह माना था कि x^4=t, तो आगे मिल जाएगा -log(x^4) + log(x^4-1) और फिर प्लस सी। जैसा कि आप जानते हैं कि log(m-log n)=log(m/n), तो उस रूल से आपको मिल जाएगा log(x^4-1)/x^4 और प्लस सी। तो इस प्रकार समीकरण 4 से यदि आप मान रखें, समीकरण 4 में i = 1/4 dt/t (t-1), तो ये जो राशि है इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 into log(x^4-1)
अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस सी। तो ये जहाँ पर सी समाकलनीयतांक है, तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 4 लॉग ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस सी 1, जहाँ सी 1 इक्वल टू 1 बाई 4 सी। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, कॉस 5x प्लस कॉस 4x होल अपॉन। तो क्वेश्चन है, कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन है i, ये कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x dx। पहले इस राशि को हम सरल कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसका समाकलन करेंगे। तो ये कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 6x माइनस x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस x, और ये है 1 माइनस 2 कॉस 3x। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो आपको मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल अपॉन में है 1 माइनस 2 कॉस 3x। तो यहां पर हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी इस फॉर्मूले का उपयोग किया। अब कॉस एक्स इस पद पर है और इस पद पर है, तो इन दोनों पदों से यदि आप कॉस एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा कॉस 6x प्लस कॉस 3x, और साइन 6x है तो इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर जो एंगल इसका हाफ, तो ये 3x और फिर कॉस 3x और फिर ये साइन x, तो ये वाला पद भी हमने सरल कर लिया। और फिर माइनस साइन 3x और फिर साइन x देन होल अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x। अब cos 6x जो है, ये cos 6x, तो ये पहला cos x, और cos 6x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम cos स्क्वायर 3x माइनस 1 और फिर प्लस ये cos 3x प्लस, इन दोनों पदों से यदि आप sin 3x और sin x को कॉमन ले लें, साइन 3x और साइन x को कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 2 cos 3x माइनस 1। अब देन होल अपॉन में है 1 माइनस 2 cos 3x। ये cos x और फिर 2 cos स्क्वायर 3x, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3x माइनस cos 3x और फिर ये माइनस 1, फिर प्लस sin 3x sin x इंटू 2 cos 3x माइनस 1 इंटू होल अपॉन है 1 माइनस 2 cos 3x। तो प्रथम दोनों पदों से 2 cos 3x हम कॉमन लेंगे, 2 cos 3x, तो यहां पर मिल जाएगा cos 3x प्लस 1 और फिर यहां से अब माइनस कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा cos 3x प्लस 1, फिर प्लस sin 3x और फिर sin x, फिर इंटू है 2 cos 3x माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस 2
cos 3x। इन दोनों पदों पर cos 3x plus 1 कॉमन है तो उससे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x और फिर cos 3x plus 1 फिर 2 cos 3x minus 1 फिर प्लस sin 3x sin x और फिर 2 cos 3x minus 1। अंश में आप देख पा रहे हैं कि दोनों पदों पर 2 cos 3x minus 1 है और हर में यदि आप माइनस को कॉमन ले लें तो हम अंश में माइनस साइन लगा रहे हैं और हर को चेंज कर रहे हैं 2 cos 3x minus 1। तो इस प्रकार ये पद और हर का ये पद टोटली कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 3x प्लस 1 प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स। तो जो माइनस साइन है वो यहां पर जब आएगा तो ये दोनों को ब्रैकेट में लेके जाएगा और माइनस साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करके आगे हम इसको सरल करेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x और ये हमें मिला था माइनस साइन कॉस एक्स इंटू कॉस 3x प्लस 1 माइनस साइन 3x और साइन x। तो यदि माइनस साइन कॉमन लें और ब्रैकेट ओपन कर दें तो मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस साइन 3x और साइन x। माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा प्लस। तो इस पद को और इस पद को देखा जाए तो ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अर्थात कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो मिल जाएगा माइनस साइन कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स और फिर ये कॉस एक्स। तो मिल जाएगा माइनस साइन कॉस 2x प्लस कॉस एक्स या फिर माइनस कॉस 2x माइनस कॉस एक्स। तो ये मान हमें मिला है। अब इस फलन का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा आई इक्वल टू इस फलन का समाकलन तो माइनस कॉस 2x माइनस कॉस एक्स इसका समाकलन। तो कॉस एक्स का मिल जाएगा साइन एक्स यहां पर कॉस 2x है तो साइन 2x अपॉन 2 और फिर कॉस एक्स के स्थान पर हमें मिल जाएगा साइन एक्स और प्लस सी जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स होल अपॉन एक्स का पावर 4। इसका हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन log of x square plus 1 into 2 log x then whole upon x का पावर 4 dx। ये log के पहले 2 है या के जल के स्क्वायर हो जाएगा तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर x square plus 1 then into log of x square plus 1 minus log x square upon x का पावर 4 dx। तो जैसा कि आप जानते हैं कि log m माइनस log n इक्वल टू log ऑफ m बाई n इस रूल से हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब ये जो x का पावर 4 है इसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स क्यूब। अब इस x को लिखा जा सकता है x स्क्वायर और फिर इसमें स्क्वायर रूट और फिर ये dx। तो ये जो स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर है इसको हम इसके साथ आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर इनटू लॉग ऑफ ये मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डीएक्स। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ 1
प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डीएक्स। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। मान लेते हैं कि ये दूसरा समीकरण है, तो बेसिकली इसे हम लिखेंगे वन प्लस एक्स का पावर माइनस टू इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा जीरो, और फिर ये मिलेगा माइनस टू एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू। तो इन सारे मानों को हम रिप्लेस कर देंगे समीकरण एक में, तो आगे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, ये जो मान है इसको हमने टी माना है, तो ये स्क्वायर रूट टी, फिर लॉग ऑफ टी और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसे आप लिखेंगे डी टी अपॉन टू और माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन को हम बाहर लिख रहे हैं। तो ये दो मान लेते हैं कि समीकरण तीन है, तो यहां से वन बाई टू जो है ये बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस वन बाई टू, फिर इंटीग्रेशन साइन रूट टी और फिर लॉग टी डी टी। तो जैसा कि आपको पता है आई लेट, यहां पर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और रूट टी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट पहले आता है, तो इसे हम प्रथम फलन मान करके चलेंगे और इसे हम द्वितीय फलन मान करके चलेंगे। और आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स देन होल इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये खंडसा समाकलन का सूत्र है, उसका उपयोग करके हम आगे सरल करेंगे। ये आई इक्वल टू है, तो लॉग टी पहला फलन है और वर्गमूल टी या स्क्वायर रूट टी यह दूसरा फलन है। खंडसा समाकलन के सूत्र का उपयोग करेंगे, पहला फलन फिर दूसरे फलन का समाकलन। तो पहला फलन है लॉग टी, फिर इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, फिर इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, और फिर इस पूरे फलन का समाकलन मिल जाएगा माइनस वन बाई टू, फिर ये लॉग टी स्क्वायर रूट टी का हो जाएगा टी का पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, फिर माइनस साइन डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, ये मिल जाएगा वन बाई टी, और इसका समाकलन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, ये टी का पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू डी टी, ये माइनस वन बाई टू, फिर ये जो होगा ये टू बाई थ्री पहले आ जाएगा, फिर लॉग टी इंटू टी का पावर थ्री बाई टू। इसे जब सरल करेंगे तो ये जो टू बाई थ्री है ये बाहर आ जाएगा, और टी का पावर थ्री बाई टू माइनस वन, तो आपको मिल जाएगा टी का पावर वन बाई टू डी टी। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस वन बाई टू और ये है टू बाई थ्री, फिर टी का पावर थ्री बाई टू, और फिर ये लॉग टी, इस पद को पहले लिखा हमने, फिर माइनस ये टू बाई थ्री है, और इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा टी का पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। आगे सरल करेंगे, माइनस वन बाई टू टी का पावर थ्री बाई टू दोनों पदों पर है, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ये टू बाई थ्री और फिर लॉग टी, और फिर ये अगेन टू बाई थ्री और ये थ्री बाई टू है, तो ये टू और टू ऊपर चला जाएगा, ये मिल जाएगा टू बाई थ्री, और फिर टी का पावर थ्री बाई टू हमने उभयनिष्ठ ले लिया है प्लस सी। तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस वन बाई टू टी का पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री
log t माइनस 4/9 प्लस सी, जहां पर सी जो है यह समाकलन नियतांक है। अब यदि इन दोनों पदों से 2/3 को कॉमन ले लें, या फिर हमें यहां पर ले लेना था, कोई बात नहीं, 2/3 यहां से कॉमन आएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 आएगा, -1/3 t का पावर 3/2 और फिर log t माइनस 2/3 प्लस सी। अब t का जो मूल मान है वो हम रख देते हैं 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो आगे मिल जाएगा -1/3 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इसका पावर है 3/2 और फिर log ऑफ t, t के स्थान पर पुनः वही मान 1 प्लस 1/x स्क्वायर और फिर -2/3 प्लस सी, जहां पर c समाकलन नियतांक है और t इक्वल टू था x + 1/x, ये मान हमने रख दिया। तो आपको जो हमें जो समाकलन चाहिए था i का मान, वो हमें मिल रहा है -1/3 1 + 1/x स्क्वायर होल पावर 3/2 फिर इंटू log ऑफ x² + 1 / x² -2/3 प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।